बाय मानसी, दिस इज़ अनदर वीडियो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम सोशल साइंस हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. क्वेश्चन 1 दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इज द रोल ऑफ वुमन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाना. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड वुमन इन इंडिया रिस्पॉन्ड टू महात्मा गांधीज कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला करके जाना. सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अनदर इज चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें आता है क्वेश्चन नंबर 1. इसका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. मतलब ये जो दो टॉपिक्स है इस पे नोट लिखने को आ सकता है या इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड हो. तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. इसके कॉजेज भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने 3 डाला है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ऐसे भी आ सकता है या फिर नोट लिखने को आ सकता है ग्रेट डिप्रेशन पे इसके क्या इफेक्ट्स थे इंडियन इकोनॉमी पे. ये अनदर क्वेश्चन हो सकता है द डिसीजन ऑफ MNCs टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज. ये वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गेव राइज टू कैपिटलिज्म. इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से कर लेना. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंपीरियलिज्म को कैसे राइज दिया. है टॉपिक सेम ही और क्वेश्चंस 2 मैंने इस पे से बेस्ड निकाले हैं जो आपको बता दिया है. अगर ये टॉपिक आपने किया होगा तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप कर सकते हो अटेम्प्ट. इसलिए ये टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कर जाना. चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. इस पे 2 MCQs आने वाले हैं. ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं मैंने आपके जो ब्लू प्रिंट है ऑफिशियल वेबसाइट CBSE का उसी पे बेस्ड है. इस चैप्टर 5 में बस MCQs आने हैं 2, तो उसमें से ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है जिस पे बेस्ड MCQ आपके आ सकते हैं. एक तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिबा फूले जो थी उन्होंने कौन सी बुक लिखी, गुलामगिरी. और अनदर इज बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या पब्लिश की, केसरी. कौन से ईयर में की, 1907 में, ठीक है. और जो ज्योतिबा फूले ने बुक लिखी गुलामगिरी वो किससे रिलेटेड थी, इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के बेसिस पे उन्होंने वो बुक लिखी. तो ये 2 स्टेटमेंट्स है जिस पे MCQ आपके आ सकते हैं चैप्टर नंबर 5 से. तो इतने ही चैप्टर है आपके हिस्ट्री की बुक में जो कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं वो मैंने बता दिए हैं. बाकी जो आपके 20 MCQs आते हैं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक सबको मिला के ही आएंगे. तो MCQs तो आपको थॉरो करने ही, अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आप वो आराम से इजीली कर लोगे. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको ज़रूर करके जाने, इन्हें मिस नहीं करना है. थैंक यू. सब्सक्राइब फॉर मोर. विनायका बाय मानसी.